नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपके साथ लेकर आया हूँ एपिसोड नंबर 4 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को लेके। अभी तक हम फंडामेंटल के अंदर 3 एपिसोड डील कर चुके हैं जिसमें हमने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बातें करी थी, हमने पील एप्रोप्रिएशन और नेचर ऑफ कैपिटल के बारे में बातें करी थी और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में चर्चा कर ली थी। आज मेरा 4th एपिसोड जो है वो है सैलरी कमीशन बोनस को लेके। आपको नजर भी आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, सैलरी कमीशन बोनस को लेके नजर आ रहा है, ठीक है। आज हमारा इसको लेके हमारा 4th एपिसोड है, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ चंद लाइनें हम अपने स्टूडेंटों के लिए मैं बोलना चाहूंगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। तो आइए अपने इस अपने हिस्से के दिए को जलाते हुए अपने लाइफ में टारगेट को अचीव करने के लिए एक आज के एपिसोड को पूरा करते हैं, एपिसोड नंबर 4 सैलरी कमीशन और बोनस को लेके। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने आपको बताया था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट वी विल ऑलवेज फॉलो द प्रोविजंस गिवन बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अंग्रेजी ज्यादा हो गई, थोड़ा हिंदी में बोलते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड हमारी मदद नहीं कर रही होती तो मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी का नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी, कमीशन देनी है या नहीं देना, बोनस देना है या नहीं देना, पार्टनरशिप डीड में जैसा लिखा है वैसा होगा। सैलरी कमीशन बोनस देना है तो देंगे, नहीं लिखा हुआ तो जाते हैं मम्मी के पास कि मम्मी मम्मी सैलरी दे, कमीशन दे, बोनस दे। तो मम्मी यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि बेटा तथास्तु, नॉट अलाउड, ना सैलरी देनी, ना कमीशन देना, ना बोनस देना। अगर सैलरी देनी है, बोनस देना है, कमीशन देना है तो पार्टनरशिप डीड में लिखो, और नहीं लिखा हुआ तो नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा। सवाल यहां पर आता है क्या कि सैलरी क्यों देनी है, कमीशन क्यों देना है, बोनस क्यों देना है। तो थोड़ी एक मिनट की चर्चा में सैलरी कमीशन बोनस को मैं चर्चा कर में ले लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड्स के अंदर कि दो तरीके के पार्टनर होते हैं मेरे बेटा, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव और स्लीपिंग। तो एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता था जो बिजनेस में आता था, दिमाग खपाता था, रोज मेहनत करता था, शटर उठाता था, दुकान को चलाता था। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है? स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं मेरे बेटा जो बिजनेस में एक बार पैसा लगा देते हैं और घर जाके सो जाते हैं। उन्हें वो बिजनेस में कभी एक्टिव नहीं होते, बिजनेस में आते नहीं है, क्लियर ही नहीं है। तो एक्टिव पार्टनर ये कह सकता है कि जैसे एक एम्प्लॉई रोज आता है, मेहनत करता है और महीने के अंत में सैलरी लेता है, वैसे मैं भी काम कर रहा हूं, तुम काम नहीं कर रहे, तुम स्लीपिंग हो, क्लियर नहीं, तो मुझे भी सैलरी मिलनी चाहिए। वो डिमांड करेगा सैलरी की। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखी है सैलरी देनी है तो सैलरी देंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो सैलरी बिल्कुल भी नहीं देने वाले। क्या मेरी बात के लिए हुई नहीं हुई? सैलरी बिल्कुल भी नहीं देने वाले, ठीक है। कमीशन, सपोज 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, ठीक है। ए ने सेल करी है बिजनेस में 10 लाख की, बी ने सेल करी है 5 लाख की, सी ने सेल करी है 2 लाख की। आपको पता है ना कि एक बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सेल्स एजेंट होते हैं वो अगर कंपनी की सेल बढ़वाते हैं, सेल करवाते हैं प्रोडक्ट, तो उन्हें कमीशन मिलता है सेल के ऊपर। तो ए कहता है यार मैंने 10 लाख की सेल करी है, मुझे कमीशन ज्यादा मिलना, मुझे भी मतलब उसके ऊपर कुछ मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। बी कहता है कि यार मैंने 5 लाख की करी है तो मुझे भी मिलना चाहिए, और सी ने 2 लाख करी है तो ठीक है 2 लाख की बॉडी। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का कमीशन पार्टनर को दिया जाएगा, सेल के ऊपर कमीशन या किसी और भी कोई और कमीशन दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कमीशन दिया जाएगा तो कमीशन दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा कहता है। बोनस क्यों दिया जाएगा? अगर भैया परफॉर्मेंस अच्छी है तो बोनस दिया जाएगा, लिखा है पार्टनरशिप डीड में, अगर नहीं लिखा हुआ तो बोनस भी नहीं दिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? सैलरी कमीशन बोनस हमने बात कर ली थी लास्ट एपिसोड नंबर 2 में, मुझे याद आ रहा है कि सैलरी कमीशन बोनस क्या होता है मेरे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम इन्हें क्या करते हैं मेरे बेटा, डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं मेरे बेटा जी? भैया हमें सैलरी देनी है किसको? एम्प्लॉय को नहीं, पार्टनर को। हमें कमीशन देना है किसको? एम्प्लॉय को नहीं,
पार्टनर की कमीशन की बात हो रही है, हमें बोनस देना है किसको, एम्प्लॉय को नहीं, किसको, पार्टनर को। एक बात याद रखना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर सिर्फ वही आइटम आते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। सैलरी किसको, पार्टनर को, कमीशन किसको, पार्टनर को, बोनस किसको, पार्टनर को। तो एक बिजनेस अपने पार्टनर को, अपने मालिकों को सैलरी कमीशन बोनस देना चाहता है तो कहां से देगा, प्रॉफिट में से देगा। प्रॉफिट कहां मिलता है मेरे बेटा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट होता है, तो उस प्रॉफिट में से कुछ सैलरी कमीशन बोनस दे देते हैं। तो बेटा प्रॉफिट हो जाएगा कम, कम करने कर देंगे डेबिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम क्या करते हैं मेरे बेटा जी, सैलरी कमीशन बोनस को डेबिट कर देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात हमारी क्लियर हो गई, सैलरी कमीशन बोनस कब देना है, जब पार्टनरशिप डीटेल में लिखा होगा तभी वो पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सवाल यहाँ पे सैलरी की नहीं है, सैलरी पर मंथ, पर क्वार्टर, पर एनम कुछ भी हो सकती है। अगर सैलरी पर मंथ होगी तो हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सैलरी पर क्वार्टर होगी तो 4 क्वार्टर होते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सैलरी हाफ ईयरली दे रहे होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6-6 महीने के 2 हाफ ईयर होते हैं। और सैलरी पर एनम होगी तो पूरे साल भर की सैलरी है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें पूरे साल भर की सैलरी लिखनी होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, इसलिए मंथ की सैलरी होती है तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वार्टर की होती है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हाफ ईयरली होती है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मंथ होते हैं 12, क्वार्टर होते हैं 4, और हाफ ईयरली होते हैं 6-6 महीने में 2। बात क्लियर हो गई, चलिए आगे चलते हैं। रही बात यहाँ पे कमीशन की, जो मेन टॉपिक है ना मेरे बेटा वो कमीशन है। किसका टॉपिक है मेरे बेटा, मेन जो टॉपिक है वो कौन सा है मेरे बेटा, कमीशन का टॉपिक है। तो आइए हम कमीशन के टॉपिक को थोड़ा सीखते हैं बारीकियों में। देखिए जरा, देखते रहिएगा जरा, आपको नजर आ भी रहा होगा क्या यहाँ पे लिखा है। कमीशन निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो है मेरे बेटा क्या, बिफोर चार्जिंग। क्या लिखा है मेरे बेटा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग कमीशन है आफ्टर। ये मानो बिफोर वाला फॉर्मूला और आफ्टर वाला फॉर्मूला, ये क्या होता है जरा भैया बता दोगे, सर बता दोगे। देखो बिफोर का मीनिंग होता है, बिफोर, थोड़ा मैं पेन को पतला कर देता हूँ, ये मेरी तरह मोटा हो रहा है पेन ज्यादा ही, चलो जी पतला कर लिया। बिफोर का मीनिंग होता है, लिख लेना, घटाने से पहले, घटाने से पहले। आफ्टर का मतलब होता है घटाने, घटाने के बाद, घटाने से पहले, घटाने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर, घटाने से पहले, घटाने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर। क्या घटाने से पहले, कमीशन घटाने से पहले। क्या बेटा, कमीशन घटाने से पहले, कमीशन घटाने के बाद, कमीशन घटाने से पहले, कमीशन घटाने के बाद। इनका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले की बात करते हैं। इनका फॉर्मूला होता है मेरे बेटा क्या, पीबीसीसी इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे फॉर्मूला होता है पीबीसीसी इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। यानी कि एक फॉर्मूला देखो, दोनों में पीबीसीसी है, दोनों में मल्टीप्लाई बाय रेट है, आर है, आर का मतलब रेट है, डिवाइड बाय, एक में डिवाइड बाय 100 है ठीक है ना, और दूसरे में डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर। मतलब जो आपको डिफरेंस दिखेगा ना मेरे बेटा, ये देख लेना, डिफरेंस किस चीज का दिखेगा और किसी चीज का नहीं दिखने वाला, सिर्फ यही अंतर नजर आएगा और कोई अंतर नजर आने वाला नहीं है। कोई पूछे बेटा बता दियो जरा पीबीसीसी का मतलब क्या होता है, पीबीसीसी का मतलब होता है प्रॉफिट, बोलो प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। प्रॉफिट को मतलब प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर घटाने से पहले, बिफोर चार्जिंग घटाने से पहले, क्या घटाने से पहले, कमीशन घटाने से पहले वाला प्रॉफिट, जोर से बोलो कमीशन घटाने से पहले वाला प्रॉफिट, क्लियर ही नहीं है। और आफ्टर चार्जिंग होने का होता है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। एक बार देखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फॉर्मूले को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, रट लेते हैं, होता कुछ नहीं है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग में बिफोर चार्जिंग आ रहा है, बट आफ्टर चार्जिंग में भी बिफोर चार्जिंग, दोनों में ही प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है। कभी कई बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं
पीएसीसी यूज कर लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, कहते हैं आफ्टर है तो आफ्टर, बिफोर है तो बिफोर, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बेटा, एक बार समझ लेना। दोनों में ही पीबीसीसी आएगा, ये बात क्लियर हो गई, दोनों में ही पीबीसीसी आने वाला है, ये बात समझ लेना, क्लियर है। चले आगे, अभी फॉर्मूले क्या है, कैसे है, थोड़ा समझाइए। तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से सारी बातें मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपके आगे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो जो मेन पॉइंट होंगे मैं आपके आगे हाईलाइट करता हुआ चलूंगा, देखते रहिएगा मेरे बेटा। क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल वन बना रखा बेटा मैंने यहाँ पर, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। बेटा कितने बांट रहे हैं, दो। क्या रेशियो है, 3:2 का रेशियो है, क्या रेशियो है, 3:2 का रेशियो है, क्लियर ही नहीं है। ए और बी तो पार्ट रहे हैं, दोनों का रेशियो 3:2 है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ओ ओ 1 अप्रैल 2019, ये बात तो आपने पहले से सीख रखी है, क्लास 11 में सीखी होगी, 1 अप्रैल 2019, ये है स्टार्टिंग वाली डेट, ओपनिंग डेट, आपको ओपनिंग डेट की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ए की दे रखी है 2 लाख और बी की दे रखी है 1 लाख रेस्पेक्टिवली, मतलब ए की 2 लाख है, बी की 1 लाख है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स आर इंटाइटल टू, पार्टनर्स को दिया जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। चलो जी, इंटरेस्ट कैपिटल कितना है, 5% पर एनम दिया जाएगा, ठीक है ना, 5% पर एनम। और सैलरी ए को देनी है 1000 रुपये, ये पर मंथ लिखी है, बी को 4000 रुपये पर क्वार्टर लिखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए की कितनी है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है, तो भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो, हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा, आपकी असीम अनुकंपा से हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुई है। चलो जी, नंबर 4 क्या लिखा है, कमीशन अलाउड टू ए एट द रेट ए ओ एट द रेट 10% ऑन प्रॉफिट, ये बड़ी कीमती लाइन है, इसका मैं हाईलाइटर चेंज कर रहा हूँ और मैं बाद में हाईलाइट करूंगा, बस इतना समझ लेना। कमीशन देना है ए को 10%, कितना, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बट आफ्टर चार्जिंग अबव एप्रोप्रिएशन। आगे चलते हैं, कमीशन अलाउड टू बी, पॉइंट नंबर 5, कमीशन बी को देना है कितना, 10%, कितना, प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग अबव एप्रोप्रिएशन एंड ऑल कमीशन। ओ हो, मतलब अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं ना, मोटा माटी बात कर लेता हूं, एक में बिफोर चार्जिंग वर्ड आ रहा है और एक में आफ्टर चार्जिंग आ रहा है। कह रहा पता है, एक बात और बोलूं, इस कंसेप्ट को ना रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी रटने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, बिल्कुल रटने की कोशिश मत करना, समझ ही कोशिश, बिफोर आफ्टर कहते हैं, पर बिफोर घटाने से पहले आफ्टर घटाने के बाद, ये दिमाग में रखोगे ना सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। चलो जी, एक काम करते हैं, पहले तो जितना आता है उतना लपेट देते हैं। आप क्या बेटा देखिए, मैंने लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है 31 मार्च 2020 का, इफ प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन ₹150, 1.5 लाख रुपए का अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो, क्लियर है। मैंने आपका ऑलरेडी एक फॉर्मेट डिजाइन करा हुआ है, ठीक है ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ईयर एंड है, डेबिट एंड क्रेडिट ये लिखना मत भूल जाना, क्लियर, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। जब भी आप अकाउंट को करोगे तो अकाउंट बहुत फॉर्मेटिक होता है, वो सिस्टम में आपको प्रिपेयर करने होते हैं, एक बार समझ लेना, बहुत सिस्टम से प्रिपेयर करने होते हैं अकाउंट, यानी कि उधेड़ बुन में कुछ भी चल रहा है। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात हम कर रहे हैं, तो बेटा मैंने आपको याद ना एक कोड याद करवाया था एपिसोड नंबर 2 में, बोला था RISCI, रिस्क की, बोलो RISCI, रिस्क की, RISCI, रिस्क की। इस क्वेश्चन बताइए, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, आर फॉर रिजर्व नहीं है, हटा दो, इंटरेस्ट कैपिटल है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है, बात क्लियर हो गई। चलिए, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन कब होता है, जब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट हमें दे रखा है, देखो ये दे रखा, कितने रुपए का, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, या लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट या बाय नेट प्रॉफिट, कुछ भी लिख लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें, लिख दो, चलो, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, क्लियर है। आइए सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेबिट वाला आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने बढ़ रहे हैं, 2, ए और बी,
बताइए बेटा ए कि हमें इंटरेस्ट कैपिटल देना कितना है 5% पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, और इंटरेस्ट कैपिटल कितने देते हैं इसमें कैपिटल पे, एपिसोड नंबर 3 में बताया था कैपिटल दे रखे 2 लाख और 1 लाख ओपनिंग कैपिटल पे। तो मेरे बेटा 2 लाख का पूरे साल भर का 5% ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और 1 लाख का 5%, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 10,000 रुपये, ये आपका आ गया 5,000 रुपये, तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया आपने 15,000 रुपये। चले आगे, उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी, सैलरी दे दो सैलरी, ए को भी देनी है सैलरी, बी को भी देनी है, पूरे साल भर की सैलरी रहेगी। ए की सैलरी 1,000 रुपये पर मंथ, ओए ओए 1,000 रुपये 12 महीने की पर मंथ है, तो एक साल में 12 महीने 1,000 × 12 12,000 की सैलरी। बी की कितनी सैलरी लिखा हुआ है 4,000 रुपये पर क्वार्टर, एक साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं 4 × 4, तो क्वार्टर में कितने हो गए सैलरी 16,000, तो कितने हो गए 12 और 16 28,000 रुपये की सैलरी दे दी। चलो जी, इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, अब कमीशन रुक जाओ, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या लिखा है मेरे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए एंड बी, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा 3 और 2 दे रखा है, एक का 3,000 रुपये है, एक का 2,000 रुपये है, कितना हो गया मेरे बेटा ये 5,000 रुपये बेटा बड़े आगे। उसके बाद आता है, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं कमीशन सिखा रहा हूँ ना, तो कमीशन के लिए पेन चेंज कर रहा हूँ टू कमीशन। अब कमीशन मुझे किसको देना है, पहले ए को, और फिर देना है मेरे बेटा किसको बी को। चलिए ए और बी को तो कमीशन हम दे ही देंगे, लेकिन उससे पहले ना पॉइंट पढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट डील, ये वाला पॉइंट डील, ये वाला पॉइंट डील। अब आते हैं कमीशन वाला पॉइंट, कह रहे हैं कमीशन देना है, सुनते रहे ना, कमीशन देना है, हाईलाइटर लिया दूं नया सा, ठीक है ना। कमीशन देना है ए को, बेटा कितना परसेंट कमीशन है ए को, 10% का कमीशन है। किसका 10%? प्रॉफिट का 10%। बेटा अगर प्रॉफिट का 10% का है, कौन सा प्रॉफिट? बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, बोलो कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, बट आफ्टर चार्जिंग अबव एप्रोप्रिएशन, मतलब अबव यानी कि ऊपर। एक ये पॉइंट नंबर 1, 2 और 3, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 इनको घटाने के बाद आफ्टर, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनको घटाने के बाद, बट कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट। क्लियर है ये नहीं है, इधर देखिएगा, चलिए यहां देखिएगा जरा। देखिए हमारे पास प्रॉफिट है कितना 1.5 लाख + 5,000, 1.5 लाख + 5,000 -15 - 28 करिए जल्दी, फटाफट फटाफट करिएगा, जल्दी जल्दी करिए, आप भी करिए मैं भी कर दूं, स्पीड देख लेंगे किसकी ज्यादा है, ठीक है। 28,000, 1,12,000, आप हार गए, तुम्हारी बस की ना है कुछ भी करना, मैं ना होता तो क्या होता तुम्हारा, 1,12,000 रुपये, ये 1,12,000 का प्रॉफिट है, क्लियर ही नहीं है। अब ये बताइए कौन सा प्रॉफिट है, ये पीबीसीसी, क्या है मेरे बेटा ये पीबीसीसी। एक काम करता हूँ, मैं बी को मिटा देता हूँ, अभी मैं किसका कमीशन निकाल रहा हूँ मेरे बेटा, ए का निकाल रहा हूँ ना, ए का कमीशन निकाल रहा हूँ ना, तो यानी कि देखो क्या है, सब कुछ ऐड या लेस करने के बाद, बट ए के कमीशन से पहले, सब कुछ ऐड लेस कर, लेकिन ए का कमीशन लेस नहीं करा, मतलब ए के कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट लिखा हुआ है। कह रहे हैं ए को प्रॉफिट देना है, ए को कमीशन देना है 10% प्रॉफिट का, किसका 10% प्रॉफिट का, कौन सा प्रॉफिट, कमीशन घटाने से पहले वाला, बट बाकी सब कुछ घटाने के बाद, तो कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, इसके ऊपर कितना परसेंट देना कमीशन 10% इंटू 10/100 11,200 आया, क्लियर है, ठीक है। अब देंगे बी को, क्या देंगे मेरे बेटा बी को कमीशन, चलिए बी को कमीशन देना है, तो बी वाला पॉइंट पढ़ते हैं, ए पॉइंट डील हो गया, अब बी वाला, कमीशन अलाउड टू बी, अगेन हाइलाइटर ले लेते हैं मेरे बेटा, बढ़िया सा, कमीशन अलाउड टू बी, बी को भी कमीशन कितना देना है 10%, किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, बट कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग अबव एप्रोप्रिएशन एंड ऑल कमीशन, सब कुछ घटाने के बाद, इवन कमीशन भी घटाने के बाद, देखते रहना बड़ा कीमती लाइन आने वाली है, देखिएगा
क्या करा, 1.5 लाख का प्रॉफिट प्लस 5,000 माइनस 15 माइनस 28 आफ्टर ऑल कमीशन, ये भी माइनस करो और ये वाला कमीशन भी माइनस करो, है क्या आफ्टर ऑल कमीशन बोल रहे बेटा, आफ्टर ऑल कमीशन ये तो निकल ही नहीं सकता, कैसे, क्यों, देखो ना 1.5 लाख में 5,000 ऐड करे माइनस 15,000 लेस कर दिए, चलो ये तो कर सकते हैं, माइनस 28,000 भी लेस कर दिए, माइनस 11,200 भी लेस कर दिए क्योंकि ये तो है, बट मैं बी का कमीशन कैसे लेस करूं क्योंकि बी का कमीशन तो मुझे पता नहीं है, तभी तो आफ्टर वाला फॉर्मूला बना है। आफ्टर वाले में होता क्या है, जो चीज घटाने के लिए वो बोलता है वो तो मेरे पास होती नहीं है तो घटाऊ कैसे, मतलब ये तो मैं निकाल ही नहीं सकता, आई बस में नहीं आई, क्लियर ही नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं मेरे बेटा, इसको ना घटा के इससे पहले वाला प्रॉफिट निकाल लेते हैं और वो निकल कर आएगा मेरे बेटा, कर लो सब कुछ लेस कर देना 11,200 तक 1,800। अब ये भी क्या है, ये भी पीबीसीसी है, ये भी क्या है, ये भी पीबीसीसी है, लेकिन ये पीबीसीसी किसका है, बी का, और ये पीबीसीसी किसका है, ए का, क्लियर है ये नहीं है, हाँ ये ना क्लियर है, सबके अपने अलग अलग पीबीसीसी होंगे, क्लियर है ये बात, क्लियर हो गई, जो कचरे वाली हरकत है वो हटा देता हूं मैं, ये आ गया तो लगाओ। अब 1,800 पीबीसीसी आफ्टर वाला फॉर्मूला इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, फॉर्मूला याद है ऊपर लिखा हुआ ये वाला फॉर्मूला, जल्दी कैलकुलेशन करो, देखते हैं कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा देख लेना, ये निकल कर आएगा मेरे बेटा 9163.6 आ रहा है, तो इसे मैं राउंड ऑफ करके 6-4 कर रहा हूँ, घबराना मत अगर पॉइंटों में आंसर आते तो, आधे बच्चे तो घबरा जाते हैं पता नहीं क्यों, 9169164 ये आपका आ गया 20,364, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बस ये कमीशन भी दे दिया, इसे काट दो, अब निकाल दो बचा हुआ प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू, निकाल दो बेटा, तो जैसे नॉर्मली निकालते ही हो, यह आएगा निकल के मेरे बेटा 9163636 और ये इनकी रेशियो बढ़ जाएगा, रेशियो कितना था 3:2, बांट दो ए एंड सॉरी 3:2 में बांट दो, बांटना तो आता ही होगा, 9163636 मल्टीप्लाई 3/5 91636 मल्टीप्लाई 2/5 5498 1.6 आ रहा है तो मैं यहां पर ना 2 कर देता हूं, और ये आ रहा है 36654, ये 0.4 आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ वगैरह 4 तक ही छोड़ दिया। एक बात याद रखना मेरे बेटा, टोटल राउंड ऑफ में ऐसे मत कर देना कि इनका टोटल जो है ना, इन दोनों का टोटल, ये 1 रुपये ज्यादा 1 रुपये कम बन जाए, जरा राउंड ऑफ देख के करना, ठीक है, उसके बाद टोटल आ जाएगा यहाँ पे 1,55,55, भूल न जाना साथ निभाना एविसिस में ही आना, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ बिफोर आफ्टर। तो बिफोर में तो प्रॉफिट उससे पहले वाला प्रॉफिट होता है सीधा उसके ऊपर ही 10/100 मतलब रेट बाई 100 करते हैं, बट आफ्टर वाला का अप्लाई होता है, जो चीज वो लेस करने के लिए बोल रहा है वो हम पे है ही नहीं तो कैसे लेस करें, इसलिए हम आफ्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उससे पहले वाला पीबीसीसी निकालते हैं इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, ये अप्लाई करते हैं, क्लियर है, ठीक है, ठीक। अब यहां पर जरा एक चीज देखिएगा, कुछ प्रूफ करने वालों आपके आगे में फॉर्मूला, नॉलेज की बातें करेंगे बेटा,
बेटा देखो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा ना ये मिटा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये भी थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखना, क्या हम इसे x मान सकते हैं? x, तो बताओ इस, अगर मैं बोलूंगा b के कमीशन के बाद वाला, भैया b के कमीशन से पहले तो ये है, तो कम b के कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट मैं ये मान सकता हूँ 1,800 - x, बोलो आइए ना, PACG, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये होगा। अब इधर देखो, प्रूफ कर रहा हूं मैं आपके आगे, देखना ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहा हूं बेटा, मुझे बताना जरा क्या बोल रहे हैं वो बी के कमीशन को, कह रहे हैं बी का कमीशन निकाल दो, कैसे? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है ऑल, मतलब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इंटू रेट डिवाइड बाय एंड, ये तो बोल रहे हो कि जो भी आफ्टर वाला मामला है उसके ऊपर 10%। अब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हमने क्या निकाला है, 1,800 - x, और देखो बी की कमीशन क्या निकाला है हमने, x, और रेट कितना है मेरे बेटा 10/100, ये यही नहीं है, बताओ मुझे लॉजिकल है? ठीक है, अब देख लो खुद, बी का कमीशन क्या माने, x, जो कमीशन मुझे निकालना है उसी को माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो दिमाग लगाओ ना यार, जो चीज मेरे पे है ही नहीं उसे मैं माइनस कैसे कर दूंगा, तभी आफ्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है मैथमेटिक्स आती होगी, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको देखना आंसर पता क्या निकल कर आएगा, वही जो पहले निकाला था आपने 9164, ये निकल कर आएगा, सॉल्व करके देख लेना। लेकिन अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसे एक्स को एक्स रहने दो, 1,800 को आपने क्या नाम दिया था, पीबीसीसी, प्रॉफिट बिफोर चार्ज, बी की कमीशन से पहले वाला है ना, पीबीसीसी बोला था इसे आपने, आगे चलो, माइनस एक्स, 10 का मतलब क्या हुआ, रेट डिवाइड बाय 100, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू पीबीसीसी इंटू रेट बाय 100 माइनस एक्स इंटू रेट बाय 100, एक्स वाले एक जगह लिए हो सारे, एक्स प्लस एक्स इंटू रेट बाय 100 इज इक्वल टू पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, एक्स कॉमन आ जाएगा 1 + r/100 इज इक्वल टू पीबीसीसी इंटू रेट बाय 100, 100 एलसीएम लिया, 100 + r/100 इज इक्वल टू पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कटा और ये नीचे जाएगा, तो x इज इक्वल टू व्हाट, पीबीसीसी इंटू रेट, 100 तो बढ़ गया, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, हो गया प्रूफ, क्लियर है? आई बस में नहीं आई, फटाफट से एक एग्जांपल और डील करते हैं, आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इसके साथ हमारा कंसेप्ट भी ये वाला खत्म हो जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अच्छा खासा लंबा चौड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा हो गया, क्या लिखा है, ए बी सी डी आर पार्टनर, प्यारा सा हाईलाइटर ले दे, ए बी सी डी आर पार्टनर, कितने पढ़ रहे हैं, एनीबडी कैन डांस, चार पार्टनर हैं, आर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:2, इनका रेशियो 4:3:2 है रिस्पेक्टिवली, इट अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹180,000, इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 1,80,000 रुपए का फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 1,80,000 रुपए का, एज पर द पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे आर चार्ज अ कमीशन, इनके ऊपर कमीशन लगाया जाएगा, बेटा कमीशन किसका है, पार्टनर का, पार्टनरशिप डीड में लिखा है दे आर चार्ज अ कमीशन 20%, 20% किसका, प्रॉफिट का 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सब कुछ घटाने की, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर लिखा है, एक काम करते हैं ये देखो क्या लिखा है मेरे बेटा, आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग कमीशन विच दे शेयर 2:3:2:3 यू रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, एप्रोप्रिएशन बना के दिखाना है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को बांट के दिखाना है, प्रॉफिट को बांटने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले कोड लगाते हैं, कोड क्या था हमारा, रिस्की, आर आई एस सी आई, रिस्की, रिस्की,
आरफ रिजर्व नहीं है, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है। जो नहीं है नहीं है, नहीं है तो नहीं है, और जो है वो लिखो क्या है। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बाय पीएनएल अकाउंट, लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपको दे रखा है दूसरे लाइन में 180,000 रुपए का, ठीक है। अब कमीशन निकाल लो, टू कमीशन, खाली कमीशन ही देना और कुछ ना देना, क्या निकालना है कमीशन। चलो जी एक काम करते हैं, क्या बोला है हैशटैग कमीशन, क्या ना कमीशन निकालना है आफ्टर चार्जिंग, लिखा हुआ था देख लो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है ना, तो यानी कि यहाँ पे कुछ और तो है ही नहीं, प्रॉफिट दे रखा है 180,000 रुपए का। ये काम करते हैं फॉर्मूला लिखते हैं, आफ्टर चार्जिंग मतलब फॉर्मूला क्या होता था, पी बी सी सी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, लगाओ जी 180,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20, तो ये आपका आ गया मेरे बेटा कितना 180,000 मल्टीप्लाई 20 120, ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 30,000 रुपए का कमीशन। और ये कमीशन बढ़ जाएगा बिटवीन ए बी सी और जगह कम पड़ गई ए बी सी डी, चारों में बढ़ जाएगा, किस रेशो में लिखा हुआ है 2:3 में, मतलब ये चारों को कमीशन किसी एक का नहीं है, 30 × 2 × 10 30 × 3 × 10 30 × 2 × 10 30 × 3 × 10 करो करो करो, ये आपका आ जाएगा 6,000 9,000 6,000 9,000, क्लियर है नहीं है। अब ये कमीशन उठाकर डाल दो ऊपर ए बी सी डी, 6,000 9,000 6,000 9,000, 30,000 का कमीशन बढ़ गया। आप निकाल दो बस, और तो कुछ है ही नहीं, बचा हुआ प्रॉफिट है, निकाल दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितना 180 में से ये बचेगा आपको 1.5 लाख, और इनका रेशियो है 4:3:2:1, प्रॉफिट को बांटने वाला रेशियो ए बी सी डी, देख लो एरर रेशियो, क्लियर है, बांटो 4, 3, 7, 10, तो ये आपका आ जाएगा मेरे बेटा 15 × 60 15 × 45 15 × 2 = 30 15 × 1 = 15, क्लियर है। और यहाँ टोटल भूल न जाना साथ निभाना, और मेरी कोचिंग में ही आना, बात क्लियर हो गई। ये हमारा एग्जांपल था, क्लियर हो गया एग्जांपल। एक बात और बतानी थी मेरे बेटा, अगर ना बाय चांस मान लो यहाँ पर ना मैं ये कुछ आइटम को कट करता, सुनना, मान लो यहाँ पे लिखा होता कमीशन अलाउड टू ए ऑन प्रॉफिट, यहाँ पे ना बिफोर आफ्टर कुछ नहीं लिखा होता, ये कुछ नहीं लिखा होता, ये कट कर रहा हूँ देखो मैं, देख लेना ये बिफोर आफ्टर कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब पता क्या है कि कमीशन देना है ए को प्रॉफिट के ऊपर, बस इतनी सी बात लिखी होती खाली, तो पता है प्रॉफिट कितना है मेरे बेटा 1.5 लाख, तो पता है क्या करते सीधा सीधा 1.5 लाख का 10% निकालते, बात खत्म, कोई आफ्टर नहीं, कोई बिफोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, मेरी बात क्या हुई नहीं हुई, कोई ऐसा बिफोर आफ्टर नहीं है, लैंग्वेजेस को भी देखा करो, क्लियर है ये नहीं है, हाँ ये ना। कई बार लिखा होता है कि कमीशन देना है 2% टर्नओवर का, टर्नओवर यानी कि सेल, अब सेल 10 लाख की दे रखी है, तो 10 लाख का 2% निकाल दो, बात खत्म, कोई बिफोर आफ्टर वाला फॉर्मूला नहीं लगता, बिफोर आफ्टर वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन बोलेगा, और बिफोर आफ्टर वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब कमीशन प्रॉफिट पे दिया जाता है, क्लियर है ये नहीं है। तो होप सो मैं ये समझता हूँ कि आपको सैलरी कमीशन बोनस का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपने डाउट्स को मेरे से शेयर करते रहिएगा, कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो आप मुझे बताते रहिएगा, मैं अपना पर्सनल नंबर अपने इस प्रोडक्ट के साथ भेजूंगा, आप देखते रहिएगा। और ये एपिसोड नंबर 4 था, आने वाला एपिसोड जो होगा वो मेरा इंटरेस्ट लोन के ऊपर होगा, एपिसोड नंबर 5, उसको छोटा सा कंसेप्ट है, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, बड़ा पलक झपकते खत्म हो जाएगा, ठीक है। और
कनेक्ट रहेगा इन वीडियो से, लगातार देखते रहेगा अगर एक अच्छा स्कोर करना है तो। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, होप्स आपको वाला एपिसोड पसंद आया होगा। बैक टू बैक इसके एपिसोड और आएंगे, ठीक है ना। पूरी बातें, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करके जाऊंगा, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, ठीक है। आपके साथ हम एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर के साथ मतलब आप जो भी क्वेरी हो उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। बाकी आप अपनी क्वेरीज को कमेंट्स में डाल सकते हैं और कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट एपिसोड आपको किस कंसेप्ट पे, किस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे चाहिए वो मुझे बताइएगा। आपके लिए ही हूँ मैं और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन बेटा एक बात रखना, आपके लिए वो वीडियो बनी है या नहीं बनी कैसे पता लगेगा आपको, बताइए। दो बातें करनी है, एक तो पहले लाइक करना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको मैं जो दे पा रहा हूँ वो सही कंसेप्ट है, सही कंटेंट दे पा रहा हूँ। दूसरी बात, आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। बेल आइकन दबेगी तो आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठोक दो, कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है, लाइक हो जाना चाहिए। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू।